मीका सिंह ने मांग ली है माफी और उनसे हट चुका है बैन। मीका सिंह जो हाल ही में पाकिस्तान में एक फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए गए हुए थे और जिसके बाद उनको फिल्म इंडस्ट्री से बैन करने की बातें सामने आ रही थी और बहुत सारी एसोसिएशन ने जैसे FWICE जैसी एसोसिएशन ने उन्हें बैन कर दिया था, उन पर काम करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मीका सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उन्होंने माफी मांगी और FWICE की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे ये बैन हटा दिया गया है। वैसे अगर बात की जाए मीका सिंह की तो मीका सिंह पाकिस्तान पहुंचे थे एक फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए और वहीं से एक वीडियो वायरल होता है जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट करती हैं। इस वीडियो के शेयर होने के बाद मीका सिंह को हर तरफ से बातें सुनने को मिलती हैं और जब वे वापस भारत पहुंचते हैं तो उन पर काम करने पर रोक लगा दिया जाता है। दरअसल जब मीका सिंह पाकिस्तान पहुंचे परफॉर्म करने के लिए उस वक्त भारत में आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर से हटाया गया के मसले पर बात छिड़ी हुई थी और लोगों के बीच में काफ़ी तनाव था। उसी वक्त ये वीडियो शेयर होता है जिसके बाद लोग उन्हें देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन मीका सिंह सामने आते हैं। मीका सिंह आकर सामने मांगते हैं माफ़ी और वो कहते हैं कि ये शो मेरा पहले से बुक था और मैं अपने क्लाइंट को मना कैसे कर सकता था। और जबकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस बीच 370 पे बात शुरू हो जाती है तो मैं क्या कर सकता था उसमें। अगर फिर भी किसी को इससे एतराज़ है, किसी को बुरा लगा तो वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। ऐसा कहने पर एसोसिएशन का दिल पिघल गया, उन्होंने उनको माफ कर दिया और उनसे बैन हटा दिया गया है। मीका सिंह के फैन ये सुनकर बहुत खुश हैं। मैं आऊंगा फिर से लेकर कोई नया अपडेट। आप देखते रहें चैनल शान पंजाबी। ओ जल्दी तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुहानू वधिया तो वधिया अपडेट्स मिलदियां रहन ते बेल आइकन नु प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलियो। तुसी देख रहे हो चैनल शान पंजाबी, माण पंजाब दा।